नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सऊदी अरबिया से रिलेटेड। जी हाँ, और टॉपिक भी भाई एक इंटरेस्टेड रहने वाला है, और खास तौर से जो लोग वर्क फॉर होम मान लीजिए या कैसे भी ऐसे कुछ काम करते हैं जो घरेलू टाइप के काम होते हैं, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट जानकारी है। चाहे आप सऊदी में हो, चाहे गल्फ कंट्रीज कहीं पर भी हो, दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत, जी हाँ साथियों, सब जगह नियम ये एक जैसे लागू होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको कोई छोटे मोटे कोई ठेकेदार होता है, कोई छोटी कंपनियां होती हैं, वो आपको बुला लेती हैं काम के लिए, ठीक है। जबकि काम का मतलब क्या होता है, कंपनी 5 आदमी है उनमें, वो भी कंपनी है, जिसमें 5,000 आदमी है वो भी कंपनी है। उनका एक क्राइटेरिया होता है कि यहाँ इनकी ऑफिस होनी चाहिए, ऑफिस भी उनकी लाजमी होनी चाहिए, या फिर इनके कहाँ ये काम कर रहे हैं, वो सब उनका एक लाइसेंस लेना होता है, उसका एक मोटा पैसा वहां पे देना होता है जो ईयरली रिन्यू होता है। जी हाँ, लेकिन कुछ सियाणे लोग ज्यादा होते हैं, वो पैसा बचाने के चक्कर में कई जगह कई बार काम क्या हो, अपनी जगह ही वहीं रहना, वहीं काम करना, ऐसा आपने देखा होगा। जी हाँ, तो हम डिटेल से बात करेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घट रही है, आप भी इसी तरह की कोई काम कर रहे हैं, तो भाई सावधान होने की आपको जरूरत है, वरना जेल और जुर्माना आपके साथ भी हो सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज सऊदी से रिलेटेड हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। अभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, हो सकता है इंडियन है, हो सकता है पाकिस्तानी, लेकिन मैं मानता हूं ये लोग इंडियन ही है। जी हाँ, 7 लोगों को गिरफ्तार करने का रीजन क्या था कि ये लोग पुलिस को सूचना मिली थी टीम को कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे काम कर रहे हैं और फर्जी फर्नीचर बना रहे हैं, उनके ऊंचे दामों में अलग तरीके से उनको सेल कर रहे हैं। जी हाँ, तो भैया आपको पता है, फिर छापामारी की गई, 7 लोगों को पकड़ा है जो विदेशी शायद इंडियन हो सकते हैं, और वो लोग क्या कर रहे थे, वहीं अपने घर में फर्नीचर बना रखा था, पूरा कारखाना ही घर में बना लिया, वहीं पे वो फर्नीचर बना रहे थे, वहीं से वो ऊंचे दामों में या दूसरी जगह सेल कर रहे थे। जबकि ये विदेशों में गल्फ कंट्रीज खासतौर से बता दूं इलीगल एक्टिविटी आती है। जी हाँ साथियों, आप ऐसा नहीं कर सकते। इंडिया में चल जाता है भाई, इंडिया में आपने देखा होगा जो जांगिड़ होते हैं या फिर एक्सवाइजेड, जिनके भी कोई बिजनेस होता है वो घर में ही चलता रहता है और कोई पूछने वाला भी उनको नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, इस वजह से इतना यहाँ चलता है। लेकिन वो इतनी इतनी कंट्री है भैया, वहां पे पूरा सिस्टम पता लग जाता है, समझ गए। तो इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और उनको पकड़ने पे अभी हालांकि जो उनका मालिक कौन है, सच्चाई क्या, ये तो पुलिस ने सार्वजनिक नहीं की, लेकिन उनको गिरफ्तार करके पुलिस ले गई है, उनको जेल और जुर्माना दोनों होने वाला है। हो सकता है उनको फिर जेल होती है, तो भाई आपको पता ही है, फिर आदमी ब्लैकलिस्ट होता है, चाहे आप सऊदी में है, चाहे आप कोई भी कंट्री में है। तो आपके साथ अगर आपका मालिक आप जहां रहते हैं वहीं काम करवाता है, तो आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं कि भाई आपके पास क्या अथॉरिटी है यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, जहां रह रहे वहीं काम करने की, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, अलग ऑफिस होता है, अलग उनका रेजिडेंशियल अलग होता है, काम करने की जगह अलग होती है। तो आप भी अगर इस तरह से कोई काम कर रहे हैं, तो भाई सावधान हो सकते हैं, मालिक तो पता नहीं कब पकड़ा जाएगा, आप पहले पकड़े जा सकते हो, जेल और जुर्माना हो सकता है। बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।